हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 9 हिंदी क्षितिज के लिए है। यह वीडियो हिंदी का अध्याय 3 यानी उपभोक्तावाद की संस्कृति से संबंधित है। आज का यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम निबंध का सारांश लिखेंगे। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत निबंध में यह दर्शाया गया है कि आज हम किस प्रकार वस्तुओं के गुण दोष पर विचार किए बिना उन्हें खरीदे जा रहे हैं। जो निबंध है यानी उपभोक्तावाद की संस्कृति, यह श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखा गया है। इस निबंध के द्वारा लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि आज के समाज में हम किस प्रकार वस्तुओं के गुण दोष को न देखकर हम सीधे विज्ञापन देखकर वस्तुओं को खरीद रहे हैं। आज हम विज्ञापन देखकर वस्तुओं को खरीदते हैं। आज संपन्न वर्ग द्वारा अपनाई जा रही जीवन शैली से प्रभावित होकर सामान्य मनुष्य भी उन्हें पाने का प्रयास करता है। क्योंकि आज का जो जमाना है यह दिखावे का जमाना है। संपन्न वर्ग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सामान खरीद रहे हैं, इसको देखकर सामान्य लोग भी उन्हें पाने का प्रयास कर रहे हैं। यह उपभोक्तावाद का प्रभाव है, जिससे दिखावे की प्रवृत्ति हम पर हावी हो रही है। चूंकि अब हमारे देश में भी उपभोक्तावाद हावी हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे लोगों के मन मस्तिष्क में दिखावे की प्रवृत्ति जन्म हो रही है। दिखावे की इस संस्कृति के फलस्वरूप सामाजिक विषमता और अशांति बढ़ जाएगी। लेखक का मानना है कि उपभोक्तावाद के प्रभाव स्वरूप धीरे धीरे हमारी जीवन शैली बदल रही है। पहले के लोगों में इस तरह की जीवन शैली नहीं थी, लेकिन उपभोक्तावाद के प्रभाव के कारण अब लोगों के दिलो दिमाग में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और लोगों के जीवन शैली बदल रही है। एक नई जीवन शैली के साथ ही एक नया जीवन दर्शन यानी उपभोक्तावाद का दर्शन अपना प्रभुत्व जमाता जा रहा है। चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यह सब कुछ हमारे भोग और सुख के लिए है। लोगों के नजर में आज उपभोग ही सुख बन गया है। पहले के लोग वस्तुओं और सेवाओं का उतना उपभोग नहीं किया करते थे, लेकिन आज चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और लोग अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं। लोगों की दृष्टि से उपभोग ही सुख बन गया है। जाने अनजाने हमारा चरित्र भी प्रभावित हो रहा है और हम उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। आज हम उत्पाद का प्रयोग अधिक से अधिक कर रहे हैं और हम उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी हमारे जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ इतना रह गया है कि अधिक से अधिक हम उपभोग करें वस्तुओं और सेवाओं का। आज बाजार विलासिता की सामग्री से भरी पड़ी है। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं में टूथपेस्ट को ही लेते हैं। सभी अलग अलग खूबियां बताकर उपभोक्ताओं को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। एक टूथपेस्ट दांतों को चमकाता है तो दूसरा दुर्गंध हटाता है और तीसरा पूर्ण सुरक्षा देता है। किसी का मैजिक फॉर्मूला है तो कोई ऋषियों मुनियों के द्वारा स्वीकृत है। कंपनियां आजकल उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अगर हम टूथपेस्ट का ही उदाहरण लें तो कोई कंपनी दावा करता है कि हमारी टूथपेस्ट दांतों को चमकाता है, जबकि कोई कंपनी का कहना है कि हमारा टूथपेस्ट मुंह की दुर्गंध को हटाता है, जबकि कोई कहता है कि हमारा टूथपेस्ट ऋषियों और मुनियों द्वारा स्वीकृत है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए कंपनियां अलग अलग तरह की कोशिशें करती रहती है। पेस्ट के साथ ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, माउथ वॉश भी चाहिए। इनकी सूची लंबी होने के साथ साथ इनका बिल भी बढ़ता जाएगा। लोग उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं जिनका विज्ञापनों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। टूथब्रश या सौंदर्य प्रसाधन सभी विज्ञापन द्वारा अपनी गुणवत्ता बताते हैं। आज का जमाना विज्ञापन का है। लोग वही चीजें खरीदना पसंद करते हैं जो विज्ञापन के द्वारा उन्हें दिखाया जाता है। आज हम टूथपेस्ट के साथ साथ ब्रश भी इस्तेमाल करते हैं, माउथ वॉश भी इस्तेमाल करते हैं।
ऐसे ही न जाने कितने प्रकार के उत्पादों का हम उपयोग करते हैं और साथ ही साथ इनकी बिल भी बढ़ती जाती है। यानी आज का जमाना उपभोग का जमाना है। आज बाजार में अनेक प्रकार के साबुन उपलब्ध हैं। ये शरीर को साफ करने के साथ साथ खुशबू लाने का काम भी करते हैं। कुछ साबुन तो गंगाजल से बने होने का भी दावा करते हैं, जो हमें पवित्र रखने की बात कहते हैं। आज अनेक तरह के परफ्यूम बाजार में उपलब्ध हैं, जो शरीर को तरोताजा रखते हैं। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-40 हजार की सामग्री एकत्र हो जाती है। अगर हम बात साबुन की करें तो बाजार में अनेक तरह के साबुन उपलब्ध हैं। कोई कंपनी का कहना है कि यह साबुन शरीर में खुशबू लाने का काम करते हैं, जबकि कोई साबुन की कंपनी कहती है कि हमारी साबुन पूर्ण सुरक्षा देता है। साथ ही साथ ऐसा भी सुनने को मिलता है कि हमारी साबुन जो है यह गंगा जल से निर्मित है और यह मन मस्तिष्क को पवित्र रखता है। इस तरह से हम अगर परफ्यूम बाजार में आए तो बाजार में तरह तरह के परफ्यूम भी उपलब्ध हैं, जो शरीर को तरोताजा रखने की बात करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो संभ्रांत महिलाएं हैं, यानी उच्च कुल की महिलाएं जिनकी आमदनी अधिक है, ऐसी महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-40 हजार की सौंदर्य सामग्री एकत्र हो जाती है। इस मामले में पुरुष भी पीछे नहीं रहे हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, अब तो इस सूची में दर्जन दो दर्जन चीजें और जुड़ गई है। पुरुषों की सुंदरता बढ़ाने वाले अलग उत्पाद आ गए हैं। जगह जगह डिजाइन के कपड़े बनाने वाले बुटीक खुल गए हैं। अगर हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं, तो हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी सौंदर्य सामग्री का उपयोग करने लगे हैं। पुरुष भी इस मामले में पीछे नहीं रहे हैं। पहले के जमाने में पुरुष का काम केवल साबुन और तेल से चल जाता था, लेकिन अब पुरुष अपने उपयोग के लिए दर्जनों तरह की चीजें उपयोग करते हैं। पुरुष भी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए तरह तरह के उत्पाद का उपयोग करते आ रहे हैं। हर जगह कपड़ों के डिजाइन के लिए बुटीक भी खुल गए हैं। यानी चारों ओर उस तरह की सामग्री का उत्पादन हो रहा है जो व्यक्तियों के उपभोग के लिए है। यानी आज के जमाने में उपभोग ही सुख बन गया है, यह लेखक का मानना है। समय देखने के लिए 500 की घड़ी पर्याप्त है, पर आज शान दिखाने के लिए 1-1.5 लाख की घड़ियां खरीदी जाती है। घड़ी का जो उद्देश्य है वह है समय बताना। अगर समय बताने के लिए या समय देखने के लिए हम घड़ी का उपयोग करते हैं तो 500 की घड़ी पर्याप्त है, लेकिन चूंकि जमाना दिखावे की है, इसलिए लोग दिखाने के लिए 1-1.5 लाख तक की घड़ियां खरीद रही है, ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि देखो हम कितनी रईस हैं, कितने अमीर हैं। आज यह सब आवश्यकता पूरी करने के साधन होने के बजाय प्रतिष्ठा दिखाने के साधन बन गए हैं। लोग अपने समाज में एक दबदबा कायम करने के लिए, एक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए ये सभी कार्य कर रहे हैं। महंगे म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर खरीदकर लोग अपने घर की शान बढ़ाते हैं, भले ही वे उनका उपयोग करें या ना करें। लोगों के पास संगीत की जानकारी हो या ना हो, उनके घर में महंगे म्यूजिक सिस्टम हैं। साथ ही साथ वे कंप्यूटर का उपयोग भले करें या ना करें, लेकिन महंगे कंप्यूटर खरीदकर समाज में एक शान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग दिखावे के लिए यह सब खरीद लेते हैं। आज खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल और बच्चों की शिक्षा के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। अब तो लोग अमेरिका में शानदार जगहों पर शानदार ढंग से अपने अंतिम संस्कार के लिए एडवांस बुकिंग करने लगे हैं। अमेरिका में ऐसी परंपराएं अब चल रही है कि लोग मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार के लिए शानदार जगह पर शानदार ढंग से करने के लिए एडवांस बुकिंग भी करने लगे हैं। वास्तव में यह सब बातें उपभोक्तावादी समाज का एक नमूना फर प्रस्तुत करती हैं, जिन्हें जन सामान्य भी अपनाने के लिए व्याकुल एवं आतुर हो रहा है।
क्योंकि ये सभी जो परंपराएं हैं ये अमीरों की परंपराएं हैं, लेकिन सामान्य लोग भी इन्हें देखकर अपनाने के लिए व्याकुल और आतुर हो रहे हैं। यह सारे उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण ही पनप रही है। ऐसे में उत्पादों की गुणवत्ता में जबरदस्त गिरावट आई है। इसके अलावा जीवन मूल्य और सामाजिक मूल्यों में भी तेजी से कमी आई है। हाँ, दिखावे की प्रवृत्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है। अपनी जरूरत के अनुसार कम, लेकिन दिखाने की प्रवृत्ति के कारण लोग अधिक से अधिक सामानों का उपभोग कर रहे हैं। उपभोक्तावाद के प्रचार प्रसार का कारण सामंती संस्कृति है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, पर आज सामंत बदल गए हैं। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का अवमूल्यन, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। उपभोक्तावाद के कारण भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं इसका अवमूल्यन हुआ है और आस्थाओं का क्षरण भी हुआ है। हम बौद्धिक दासता के शिकार होकर पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। आज जो भी उपभोक्तावाद की संस्कृति हावी हो रही है यह पश्चिमी देशों की संस्कृति है जिसका अनुकरण हम कर रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता कमजोर पड़ती जा रही है। हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। समाज अन्य निर्देशित हो रहा है। विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियां हमें अपने वश में कर रही है। इस सांस्कृतिक फैलाव का परिणाम गंभीर चिंता का विषय बन गया है। लेखक के अनुसार उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारी सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा है। आज उपभोक्ता संस्कृति के कारण हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परंपराएं कमजोर होती जा रही है। हम अपने रास्ते से भटक गए हैं और समाज अन्य दिशा में निर्देशित हो गए हैं। ये सारी क्रियाएं प्रचार प्रसार की शक्ति के कारण हो रहा है और आज हम प्रचार प्रसार के वश में आकर उपभोक्तावाद को अपना रहे हैं। इससे हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। आज चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, जिसके कारण हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय निरंतर होता जा रहा है। जीवन की गुणवत्ता न तो अंतरराष्ट्रीय आलू के चिप्स और न ही बहुविज्ञापित शीतल पेय से सुधरती है। आधुनिक पिज्जा और बर्गर अंततः कूड़ा खाद्य ही है। इन सबसे समाज में अमीर गरीब के बीच की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक संस्कारों में कमी आ रही है। आज विकास का विराट उद्देश्य नष्ट हो रहा है। मर्यादाएं टूट रही है तथा नैतिक मानदंड कमजोर पड़ रहे हैं। ये सारे कार्य हो रहे हैं उपभोक्तावाद संस्कृति के आगमन के कारण। मनुष्य आत्म केंद्रित हो रहा है। स्वार्थ परमार्थ पर भारी पड़ रहा है। भोग की आकांक्षाएं बढ़ती ही जा रही है। गांधी जी का कहना था, हम अपनी बुनियाद पर कायम रहकर स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को अपनाएं। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ढीला कर रही है और भविष्य के लिए यह बड़ा खतरा है। इस प्रकार उपभोक्तावाद की संस्कृति ने पूरे समाज को विध्वंस की ओर ढकेलती जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध पर एक लेख लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नए वीडियोज के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।